Dear friends and students, today we will study रीजनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। रीजनिंग्स के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है आज हम ये सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्लैंक ए ब्लैंक बी बी ए ब्लैंक बी बी ए ट्रिपल बी ए ब्लैंक ए खाली स्थान डबल ए खाली स्थान ट्रिपल बी ए खाली स्थान ए। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये ब्लैंक और लेटर्स को काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास जो यहाँ पर टोटल नंबर आया है वो आया 15, दैट इज 15 है। हमारे पास ये नंबर आया है 15 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास कोई दो फैक्टर आने चाहिए। तो सबसे पहले जब हम 15 के फैक्टर करते हैं तो 3 × 5 होता है, तो हम इस सीरीज को 3 × 5 3 एंड 5 के फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। 1 2 3 ये हमने इस सीरीज को 3 3 में डिवाइड किया है। ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए और आंसर इज ए बी ए। दिस इज आवर आंसर। अगर स्टूडेंट्स ये एक सीक्वेंस बन गया तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, अगर ये सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है तो हमारा आंसर इनकरेक्ट होगा। दिस इज द सीक्वेंस करेक्ट आंसर इज ए बी डबल ए इज द आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन हमारे हैं ए बी बी, सेकेंड ऑप्शन ए ए, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन ए बी, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन C A B C। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी डैश ए डैश बी डैश बी बी ए। अब सबसे पहले हम इन लेटर्स को और ये ब्लैंक नंबर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास जो काउंटिंग में टोटल नंबर आया वो 12 आया है, 12 है। इसके अगर हमने फैक्टर करें तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे 2 फैक्टर्स 3 × 4। तो सबसे पहले हम 3 का फैक्टर से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि 3 का फैक्टर से हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आता है तब हम 4 के फैक्टर से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 3 लेटर्स में डिवाइड करेंगे, 3 लेटर्स में। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं ए बी, बी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है ए बी ए, यहाँ पे बी ए होना चाहिए परंतु ये करेक्ट नहीं है, इसीलिए 3 का फैक्टर यहाँ पे वर्क नहीं करता है। 3 का फैक्टर अगर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो ये हुआ हमारा इनकरेक्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे और ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब की बार हम 4 के फैक्टर्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या किया, 4 के फैक्टर से हमने सीरीज बनाई है इसकी, 4 लेटर्स 4 4 ये हुआ। अब हमने क्या देखा कि बी के पास में क्या है, बी डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए। दिस इज आवर आंसर, द आंसर इज बी ए। हमारा आंसर जो आया है बी ए। आवर ऑप्शंस आर ए ऑप्शन ट्रिपल ए, बी ऑप्शन बी ए, सी ऑप्शन ए डी ऑप्शन बी ए डी। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन CBA। डियर फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन CBA-C। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आवर थर्ड क्वेश्चन इज CBA-CB-CC-B-C-BAC। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले फ्रेंड्स, हम इन सभी लेटर्स को और ब्लैंक नंबर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारे पास जो टोटल नंबर आ रहे हैं 16 है, और 16 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही फैक्टर आता है 4 into 4। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम इस सीरीज को 4 लेटर्स में डिवाइड करेंगे, 4 नंबर में। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज आवर सीरीज। अब हम इसका सीक्वेंस चेक करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, हमारे पास सेकंड नंबर पर बी है, थर्ड नंबर पर ए है, तो हम यहाँ पे थर्ड पर ए लिखेंगे, फोर्थ पे सी है तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर पर सी है, सेकंड पर बी है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास ए है, और फोर्थ पर सी है, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास सी है। तो हमारा ये आंसर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है CBAC 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 इज आवर सीक्वेंस। हमारा सीक्वेंस करेक्ट है, हमारे सीक्वेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। सो आवर आंसर इज CAAC। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिएगा, CAAC फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है CBCA, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सी बी ए सी हमारा थर्ड ऑप्शन है। और हमारा लास्ट ऑप्शन डी जो है नन है। क्या है? नन। इनमें से कोई नहीं। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, नन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डबल ए डैश बी सी डैश ए डैश बी बी सी डैश। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या काउंट करना होगा? लेटर्स और ब्लैंक नंबर्स को काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास जो टोटल नंबर आए हैं 12 हैं। और 12 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 12 के जो हमारे पास फैक्टर आता है 3 into 4 आता है। तो हम सबसे पहले 3 पर और उसके बाद 4 पर वर्क करेंगे। अब हमने क्या किया, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 3 लेटर्स में। ए ए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फ्रेंड्स 3 का फैक्टर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इससे सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। पहले पे ए है बट यहाँ पहले पे बी आ गया, दूसरे पे ए है यहाँ दूसरे पे सी आ गया। यहाँ पर सेम बन रहा है बट यहाँ पर डिफरेंट बनेगा, है ना। ये हमारा जो है 3 का फैक्टर नॉट वर्क। 3 यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, 3 का फैक्टर वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको 4 के फैक्टर में लाएंगे। 4 के फैक्टर्स के लिए क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन को दोबारा लिखना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहे हैं। अब हम 4 के फैक्टर में इसको स्प्लिट करेंगे। अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारा ठीक है स्प्लिटिंग हो गया। अब हमने क्या करना है, ए बी बी सी ए बी बी सी। तो हमारा यहाँ पर जो फैक्टर और सीक्वेंस बन रहा है बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। और हम इसको आंसर लिखेंगे। तो आंसर जो आ रहा है हमारे पास, आंसर है बी सी ए सी। ये हमारा आंसर है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। P R dash Q P R dash dash P R dash. इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेटर्स और इनके ब्लैंक नंबर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास यहाँ पर 12 नंबर आए। तो 12 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 12 को जब फैक्टराइज किया जाता है तो हमारे पास जो नंबर आता है 3 and 4 आता है। तो हम सबसे पहले 3 में इसको स्प्लिट करेंगे सीरीज को। इस सीरीज को 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हमने स्प्लिट किया। अब हम देखते हैं कि सेकंड नंबर पर यहाँ पर R है और यहाँ पर थर्ड नंबर पर Q है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर P है और यहाँ पर थर्ड नंबर पर Q है और यहाँ पर थर्ड नंबर पर Q है। तो हमारा जो आंसर होगा R Q P Q Q। दिस इज आवर आंसर R Q P Q Q। दिस इज आवर आंसर फ्रेंड्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। M dash O dash dash डैश एन ओ डैश 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 एन ओ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इन नंबर को काउंट करेंगे, इन लेटर्स और ब्लैंक नंबर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास टोटल नंबर जो हैं 12 हैं। तो क्या करेंगे हम 12 के जब फैक्टराइज करते हैं तो 12 के जो फैक्टर आते हैं 3 into 4, 3 and 4 आर द फैक्टर ऑफ 12। तो हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे 3 में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पर हमारे पास m है तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर m रखेंगे, सेकंड पर यहाँ पर n है तो यहाँ पे n रखेंगे, थर्ड पर हमारे पास o है यहाँ पे o है। तो फर्स्ट पर m, सेकंड पर n, थर्ड पर o, फर्स्ट पर m। तो हमारा जो आंसर आएगा n m m n m। दिस इज आवर आंसर फ्रेंड्स। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। एक्स डैश वाई डैश डैश एक्स वाई डैश एक्स डैश वाई जेड, इसका आंसर आपको लिखना है। इसके ऑप्शन हम लिख रहे हैं ऑप्शन ए एक्स वाई जेड एक्स जेड, बी ऑप्शन एक्स जेड एक्स जेड एक्स, सी ऑप्शन डब्ल्यू जेड एक्स एक्स जेड, लास्ट ऑप्शन डी वी एक्स एक्स जेड वी। फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कमेंट में लिखना है। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के